कानपुर देहात पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दो दिन पहले अपहरण हुई 5 वर्षीय मासूम बच्ची को साकुशल किया गया बरामद। दो अपहरणकर्ताओं को घटना में प्रयोग की गई बाइक सहित गिरफ्तार किया गया। दिए गए उधारी का पैसा न मिलने पर मासूम बच्ची का पड़ोसी ने अपहरण किया था। ट्रॉफी दिलाने के बहाने मासूम बच्ची को अपहरणकर्ता ले गया था। पुलिस अधिकारियों ने मासूम बच्चे की साकुशल बरामदगी की लगाई थी कई टीमें। पुलिस टीमों ने मासूम बच्ची को साकुशल बरामद किया। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीमों को दिया 10,000 का इनाम। मंगलपुर थाना क्षेत्र के श्रीनगर झिंझक से हुआ था 6 जनवरी को मासूम बच्ची का अपहरण, जो मंगलपुर थाना क्षेत्र के मिंडा कुआं तिराहे से मासूम को बरामद भी किया गया। कब गायब हुई थी हमारी बच्ची? गायब हुई थी परसों के दिन। परसों कौन तारीख थी? अच्छा, परसों गायब हुई थी। परसों कौन ले गया था, कैसे बरामद हुई? ये हमारे यहाँ के हमारे पड़ोस के दोनों लड़के थे, इनको मान लीजिए मेरे मोहल्ले के हैं। तो ये मेरे घर पे एक लड़का आया, ये शिव प्रताप आया, कहने लगा कि भैया हम तुम्हारे यहाँ आए हैं, हमारा कुछ पैसा ही लेना देना था भाभी। उसके बाद में इसको बच्ची को हमारी चीज दिलाने के बहाने ये दुकान पे ले गए। उसके बाद में ये लेके कहने लगे हम झूला झुलाने के बहाने इसको लिवा के चले गए। पुलिस के पास आप कब गए थे? हम पुलिस के पास गए हैं समय 11:30 बजे। उसके बाद पुलिस ने आपकी बच्ची को कब बरामद करके दिया? हमको कल शाम को बरामद करके दिया है, रात में 9 बजे। ये जो पुलिस ने कार्य किया है ये सराहनीय कार्य है, सराहनीय कार्य है। 6 तारीख को झिंझक कस्बे से, जो थाना मंगलपुर में पड़ता है, वहाँ से 5 वर्ष की बच्ची को 2 वर्ष की उसके घर से मेला फुला कर ले गए थे और बिना उनके परिजनों को कहे हुए उसको अपने साथ ले गए। इस घटना के बाद परिजनों द्वारा अपहरण की सूचना दी गई, जिसमें मुकदमा किया गया था और बच्ची की बरामदगी के लिए कई टीमें गठित की गई थी। टीमों के प्रयास से बच्ची को प्रॉक्सर बरामद कर लिया गया है और इसमें जो सम्मिलित दो अभियुक्त थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें एक अभियुक्त जो था वह इनके घर पूर्व में भी इनका आना जाना था और इस घटना की जो मुख्य वजह है, जो अभियुक्त का कहना है कि इनका पैसे का लेन देन था, जो पूर्व में अभियुक्त का पैसा जो बच्ची के परिजन हैं उन्होंने लिए थे और वह वापस नहीं कर रहे थे, इसी कारण से उसने बच्ची को जो है ले गया, जिससे कि वह परेशान हो और उनका पैसा वापस करे। सर, 2 दिनों में बच्ची बरामद हो गई, वुडवर्क है, पुलिस टीम को इनाम? पुलिस टीम को 10,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। सर, कितने रुपए की बात निकलकर सामने है जिसके लिए घटना को अंजाम दिया गया? जो अभियुक्त का कहना है वो 60,000 के आसपास पैसे की बात है कि पूर्व में 3-4 साल पहले उन्होंने इनको दिए थे और ये बार बार मांगने पर भी वापस नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट आईकेएफ।